खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो इनको हमने अपने ऑफिस में आज समय दिया था, उनके मन में जो नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में कोई गलत फहमियाँ थी, उन गलत फहमियों को उन्होंने हमारे सामने रखा। नीट एग्ज़ाम के बारे में जो एम्स को उसमें शामिल किया गया है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके थ्रू पीजी कैसे मिलेगी, पीजी में प्रैक्टिकल होगा नहीं होगा इत्यादि, इस तरह की चीज़ें थी। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर जो है इसकी क्या डेफिनेशन है, ये कैसे तय होगा। तो हमने उनको बताया कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर जो है ये सारे विश्व के अंदर ये मिड लेवल जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं इनका कंसेप्ट है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिफाइन किया है, इसको लैंसेट जर्नल ने भी डिफाइन किया है, और ये अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अफ्रीका, बहुत सारे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। और इसका जो कंसेप्ट है इसको तय अब एनएमसी करेगी। पहली बात कि क्या हमें इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है, ज़रूरत है तो किसको, मान लीजिए नर्स को ट्रेन करना है तो कितना ट्रेन करना है, 4 साल उसने पहले पढ़ाई की है उसको और क्या 2 साल पढ़ाई करानी है, या उसको कितनी पढ़ाई करानी है, पढ़ाई में कौन सी चीज़ उसको और पढ़ा के उसको प्राइमरी हेल्थ केयर में प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ के लिए किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। और जो एनएमसी है उसमें भी अभी तो 33 में से 29 जो है वो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर जो तय करने वाले हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के, देश के मेडिकल प्रोफेशन के शुभचिंतक हैं, उसकी इंटेग्रिटी की रक्षा करने के लिए हैं। ये सब बातें हमने उनको समझाई, और फिर जो भी कुछ एनएमसी आगे भविष्य में करना चाहती है वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं एनएमसी पब्लिक डोमेन में डालेगी, कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद जो है फर्दर चीज़ें तय होंगी, सब कुछ उसमें लिखा है। तो मैंने उन्हें समझाया है कि इसमें एक प्रकार से किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण किसी गलत दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए। हमने तो उनको अपील किया है कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ये देश के हित में है, समाज के हित में है, मरीजों के हित में है, डॉक्टरों के हित में है, मेडिकल स्टूडेंट्स के हित में है, और जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उन सब के हित में है। इससे ज़्यादा पारदर्शी और ईमानदारी से परिपूर्ण, इंटेग्रिटी से पूरी तरह से, जिसे कहते हैं लैस, जो है मेडिकल एजुकेशन की सैंक्टिटी की रक्षा करने के लिए कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती। जो बात मैंने कल राज्यसभा में और पिछले हफ्ते लोकसभा में कही थी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सबसे बड़े रिफॉर्म्स जो हुए हैं, बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए, बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, उन बड़े रिफॉर्म्स के अंदर इसकी हमेशा गिनती की जाएगी। और मेडिकल प्रोफेशन के लिए और जो नए डॉक्टर्स हैं, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध होगा। ये आज जिसको नहीं समझ में आ रहा है या जो नहीं आज समझना चाहता है उसको इतिहास आने वाले वर्षों में समझाएगा। तो डॉक्टर्स की अपनी स्ट्राइक फॉलो कर दी, हमने डॉक्टर्स को अपील की है कि आपको कोई स्ट्राइक करने का औचित्य नहीं है, अब वो डॉक्टर लोगों की इच्छा है। हमने तो उनको पूरी बात समझाई भी है और पूरा उनको अपील भी की है। स्वाभाविक है कि डॉक्टर की जो एक पहली जिम्मेदारी है वो अपने मरीजों के प्रति भी है, और उस नाते जो उन्होंने ओथ ली है, हिप्पोक्रेटिक ओथ, उसके नाते उनको मरीजों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका किसी भी कारण से उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बच्चे समझदार हैं और समझदारी से इन्होंने धैर्यपूर्वक बात को समझा है, बात उनको समझ में भी आई है। अब उनकी जनरल बॉडी में जाके क्या करेंगे ये उनकी मर्जी है। मैंने तो उनको समाज हित में, मरीजों के हित में और मेडिकल प्रोफेशन के हित में उनको स्ट्राइक को समाप्त करने की अपील की है।